सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वेलकम टू अ चैनल स्टडी विद सिद्धू। अज आपां गल करांगे अपनी प्रिपरेशन दे बहुत ही अहम हिस्से दी, जो कि है सिलेबस। ठीक है जी, जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे ने या करन बारे सोच रहे ने, तां इह वीडियो तुहाडे लई है। अगर तुसी शुरू करन बारे सोच रहे हो प्रिपरेशन, तो इस वीडियो नूं पूरा वेखना है। बहुत जरूरी इनफॉर्मेशन इहदे विच असीं देंगे। ठीक है जी, चाहे तुसीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यह वीडियो दोनों एग्जाम में ही जरूरी है। ठीक है जी, हुण वेखो आपां जदों भी है ना, जदों दी प्रिपरेशन शुरू कीती या शुरू करन बारे सोचिया है ना, आपां किन्ने ही परसनस नूं मिले लाइफ विच, उन्होंने आपां एक नॉर्मल बंदे जिन्हां कोल आपां गल कीती तां उन्हां दा जवाब रहा होएगा कि यार बीपीएससी दा सिलेबस तां इन्ना हुंदा है ना, उहदे विच तां कुछ भी पुछ लैंदे आ, चन्न तारिआं तों थले जो भी है सब कुछ पुछदे आ, है ना। उहदी तैयारी एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकदा, फलाना फलाना बहुत कुछ किया होना उन्होंने, है ना। तो तुहाडे मन अंदर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आया होएगा कि यार असीं कर पावांगे कि नहीं कर पावांगे, है ना। चलो अज देखते हैं तुसी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एदा किन्ना रोल है कर पहुँच ते नहीं कर पहुँच। ठीक है जी, हुण पहला तो मैंने ये सोचिए आप मन च बिठाइए भी जेडे इन्ने बच्चे फॉर्म भरते हैं, चलो उहदे विचों जिहड़े 100-10% जिन्हें भी निकलते हैं ना, 100 सीटा होंगे अगर बीपीएससी की अप्रोक्सीमेट, है ना, 10 उत्ते की थले की, है ना, और यूपीएससी के अप्रोक्सीमेट 1000 तकरीबन होंगे, है ना। तो इन यही की करते हैं, इन्हें की स्ट्रैटेजी रही है कि यही सारा कुछ पढ़ के जाते हैं कि इन्हों जो भी है चन्न तारे थले जो है कि इन्हों सारा पता है, नहीं, यही फोकस करते हैं सिलेबस पे। ठीक है जी, सब तो अहम चीज़ दोनों एग्जाम लिए सिलेबस, यही बच्चे सिलेबस पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, तो तुसी भी हूँ अगर कोई भी बच्चा है जिन्हें हाले तक सिलेबस का प्रिंट नहीं लिया, प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है, कोई गल नहीं, सिलेबस लवो। ठीक है, ऑनलाइन साइट्स से मिल जूगा। ठीक है जी, तुसी साडे कोल भी लै सकते हो, साडी लिंक मैं नीचे शेयर कर दांगी वीडियो दे, तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी मटीरियल वास्ते, वी विल सेंड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यह जो सिलेबस है वो लै लो, एक प्रिंट लै लो। ठीक है, तो सिलेबस शुरू करना आप, यही नहीं कि किसी ने कहा सी 6th NCERT तो शुरू कर दो, फिर आह बुक पढ़ दो, आह बुक पढ़ दो, सारिया थोड़ी पढ़निया होंगे है। जो सिलेबस लिखे ना, है ना, वो देखो कि लिखे किन्ना को कुछ पढ़ लोगे, सारा कुछ नहीं पढ़ना, जो सिलेबस लिखी है उतों शुरू करो। ठीक है, वह तुम्हें डायरेक्शन देगा कि पढ़ना है तो किन्ना को पढ़ना है, किन्ना डीप पढ़ना है। यही नहीं भी 6th की बुक शुरू की थी तो ए तो लैके जेड तक सारा पेज पढ़ता, है ना, नहीं, उहदे विच की पढ़ना है वह सिलेबस जो तुहानू पता लग जाऊगा, अदरवाइज यू कैन टेक हैल्प ऑफ PYQs। इहदे ते असीं ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि PYQs किन्ने इंपोर्टेंट ने अपने पेपर लिए। ठीक है, PYQs एंड सिलेबस इन्हों दोनों का बहुत अहम रोल है। ठीक है जी, इसलिए अगर हाले तक सिलेबस नहीं लिया तो सब तो पहला जाके सिलेबस लो। ये होर की सिलेबस दसूगा, सिलेबस ये दसूगा कि कहे टॉपिक छड़ने हैं। ठीक है, जोड़ा टॉपिक बुक का इंडेक्स देख रहे हो ना, फलाना चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, क्या भी हाई यार इन्ने चैप्टर ने, ये चु कि आता मैं कदम पता ही नहीं, ये बारे अकैडमिक दौरान भी नहीं पता सगा, है ना, आ नहीं आता, आ नहीं आता, सिलेबस नहीं वेख्या। हो सकता है सिलेबस से सिर्फ एक ही टॉपिक हो सकता है दो ही हो। ठीक है, तो फिर बाकी तो छुट गए ना, हो सकता है सिर्फ उस बुक चो आप 2-4 चैप्टर ही करने हो। ठीक है, तो ये हेल्प करूँगा कि केड़े केड़े टॉपिक्स आपने स्किप करने हैं, कि कुछ आप नहीं पढ़ना, कि जरूरी नहीं है,
ठीक है, यही सिलेबस दसूगा अपन। फिर तीजी तो हेल्प करेगा कि न्यूज़पेपर किवें पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर चक्की, फलाने थान ने उन्होंने गोली मारती, फलाने था एक्सीडेंट हो गया, अज पर अपने मुख्यमंत्री ने यहाँ बयान दिता, सारा कुछ पढ़ी जोगे पढ़ी जोगे पढ़ी जोगे, चार पाँच घंटे बैठे रहो, नो यही नहीं करना। ठीक है, सिलेबस लो, सिलेबस में ध्यान न पढ़ो कि आह ठीक है आ चीज़ा साढ़े सिलेबस ने, न्यूज़पेपर चको वो जो भी लगता है ना कि हाँ इस चीज़ चो कुछ आ सकता है, चूज दैट ऑन। कई बार पूरे न्यूज़ के एक पेपर के मतलब पेज बचो ना सिर्फ इन्ना कॉलम ही पढ़ने वाला होंगे, आ सारा कुछ अपने लिए नहीं होंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फॉर न्यूज़पेपर हेल्प करेगा सिलेबस। ठीक है, ये सारा कुछ किन्ने दसना न्यूज़पेपर चो की पढ़ना की नहीं पढ़ना, सिलेबस ने अगेन सिलेबस। ठीक है, सो यही है इंपोर्टेंस सिलेबस की। अगर तुम नवे बच्चे हो, बिल्कुल नवे बच्चे हो, हाले प्रिपरेशन करने बारे सोच रहे हो दिमाग में या थोड़ी थोड़ी शुरू की, मस्ट टेक योर सिलेबस। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी भी ना लो, कोशिश करो उसका प्रिंट ले लो। ठीक है, ताकि एक तो तुम सिलेबस बारी बारी देखना है ना, और एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की जो मैमरी अपनी बनती है ना दिमाग च, वो बहुत डिफरेंस होंगे जो तुम अपने नोट्स बनाओगे तो तुम्हें पता लगेगा। ठीक है जी, यही सी इंपोर्टेंस ऑफ सिलेबस। ठीक है, पी वाई पी उसकी इंपोर्टेंस तुम ऑलरेडी वीडियोज़ के दस चुके हैं, तुम देख सकते हो जाके। ठीक है, पी वाई क्यू तो सिलेबस इज़ मस्ट बी। ठीक है, यही जरूर करने ने, होर कुछ करो ना करो, यही दो चीज़ा तुटे को जरूर होनी चाहिए ने। ठीक है जी, यही सी थोड़ी जी जानकारी पी पी एस सी तो यू पी एस सी बारे। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो काइंडली सबसक्राइब द चैनल। ठीक है, एंड शेयर करो, साढ़े नाल जुड़े रहो। थैंक यू सो मच।